गाइज अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज़ करते हैं तो आपने इनकी रील्स और वीडियोस तो जरूर देखी होंगी जो अक्सर अपनी रील्स में पॉपुलर एक्ट्रेसेस के साथ ही दिखती हैं इनका नाम है निशा लाम्बा जो एक मेकअप आर्टिस्ट मॉडल एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने खुद के दम पर आज वो मुकाम हासिल किया है जहाँ तक पहुँचने का लोग सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं लेकिन यहाँ तक पहुँचने का इनका सफर इतना भी आसान नहीं रहा है क्योंकि नीसा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी इन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी यहाँ तक कि इनके पति ने भी इन्हें छोड़ दिया निशा की लाइफ बहुत ही दुख भरी रही है उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसी गलती की जिसका पछतावा उन्हें हमेशा रहेगा तो आज की इस वीडियो में हम निशा लांबा की पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे जानेंगे कैसे निशा ने इतने दुखों से निकलकर अपने करियर को बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुंचाया है साथ ही जानेंगे कि क्यों इन्होंने घर से भागकर शादी की तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू तो माई यूट्यूब चैनल उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे नीसा लांबा का जन्म 14 अक्टूबर 1996 को दिल्ली की एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में हुआ इनका पूरा नाम नीसा मलिक लांबा है नीसा ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के ही प्राइवेट स्कूल से की लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से ये ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई उन्नीस साल की छोटी सी उम्र में ही नीसा किसी पार्लर में जॉब करके अपना घर चलाती थी वो हर रोज पाँच से छः घंटे ब्यूटी पार्लर में काम करती थी नीसा की लाइफ में उतार चढ़ाव तो बचपन से ही आते रहे हैं लेकिन नीसा बताती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसी गलती की जिसका पछतावा उन्हें हमेशा रहेगा दरअसल निशा को किसी लड़के से प्यार हो गया था और वो उसी से शादी भी करना चाहती थी इसलिए उन्होंने घर पर इस बारे में बात की निशा के पेरेंट्स को वो लड़का पसंद नहीं था इसलिए वो उनकी शादी के लिए नहीं माने लेकिन निशा ने उस टाइम अपने घर वालों की बात नहीं मानी और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर भागकर शादी कर ली स्टार्टिंग में निसा की मैरिड लाइफ ठीक ठाक रही और उनके दो बच्चे भी हुए लेकिन तवनीसा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था और नीसा के हस्बैंड ने उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया तवनीसा के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो क्योंकि उस टाइम वो बिल्कुल अकेली थी पेरेंट्स की मर्ज़ी के खिलाफ शादी करने की वजह से उनके घर वालों ने भी नीसा का साथ छोड़ दिया था और उनके ऊपर दो बच्चों की जिम्मेदारी भी थी तब निशा अंदर से पूरी तरह टूट गई थी लेकिन निशा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जिम्मेदारी उठाई निशा अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा फोकस रहती थी निशा ने डेली एनसीआर सी की टॉप अकेडमी मैरिब इंडिया इंटरनेशनल अकेडमी से कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया कोर्स करने के बाद निशा ने कुछ पैसे इकट्ठे कर डेली में खुद का स्पर्श ब्यूटी केयर सेंटर खोला साथ ही निशा टिकटॉक पर भी वीडियोस बनाती थी जिसकी वजह से इनका ब्यूटी केयर सेंटर धीरे धीरे पॉपुलर होता चला गया टिकटॉक जब इंडिया में बैन हुआ तो निशा के वन मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे टिकटॉक बैन होने के बाद निशा ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज्वाइन कर लिया और इंस्टाग्राम पर निशा मेकअप और हेयर कटिंग वीडियोज अपलोड किया करती थी और आज इनकी इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है और आज इनके ब्यूटी सेंटर में पॉपुलर एक्ट्रेस जैसे सुष्मिता सेन मलाइका अरोरा कृतिका मलिक पायल मलिक और अंजली चौहान भी आती हैं और हाल ही में खुशी चौधरी और राखी सावंत ने भी निशा के ब्यूटी सेंटर में ही हेयर एक्सटेंशन कराया है निशा ने अपने हार्डवर्क और टैलेंट से आज इतना कुछ अचीव किया है और आज एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं और अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं निशा की फैन फॉलोइंग की बात करें तो इंस्टाग्राम पर इनकी टू मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वहीं YouTube पर निशा के 1.34 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और YouTube पर निशा की सबसे पॉपुलर वीडियो पर 30 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं आइए जानते हैं निशा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें निशा लाम्बा हेयर एक्सटेंशन स्किन और मेकअप सॉल्यूशन के लिए डेली की फेमस ब्यूटिशियन हैं और ब्राइडल मेकअप स्पेशलिस्ट भी हैं निशा एक इंडिपेंडेंट वुमेन है जिन्होंने अपना करियर अकेले खुद के दम पर बनाया है निशा के फेवरेट एक्टर शाहरुख खान और फेवरेट एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हैं सो so गाइज ये थी निसा लांबा की लाइफ स्टोरी और उनका स्ट्रगल अगर आपको निसा लांबा की स्टोरी ने थोड़ा भी इंस्पायर किया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी